सोमवार को त्रिपुरा में तूफानी हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश हुई। जबरदस्त आंधी और बारिश में प्रदेश के कई इलाकों में लोगों को हानि पहुंची है। यहां कई घर हवा में उड़ गए तो कई घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। तूफानी हवाओं और बारिश से तबाह हुए लोगों से मिलने प्रदेश के मुख्यमंत्री बिप्लब देव पहुंचे। यहां पीड़ितों की तकलीफ सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, जो सीवियर जो घर एकदम खत्म हो गया वो 32 है, और सीवियरली जो आधा घर टूटा है ऐसा है वो 72 है, 78 है, और इसी जिला में सदर जिला में, और 580 टोटल है पार्शियली। इसलिए एक बार मैं देखना चाह रहा था क्या कर रहे प्रशासन, तो और मैं संतुष्ट हूँ, मेरे प्रशासन सही ढंग से काम कर रहे हैं और जनता भी इससे संतुष्ट है। पीड़ितों को मुआवजा देने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पीड़ितों को बेहतर सुविधा और मुआवजा उपलब्ध करा रहे हैं। अभी दिया गया ना 95,000 का, जो पूरा घर खराब हो गया उनको 95,000 पैसा दे दी जाएगी, और अभी 5,000 करके हमने एडवांस दे दिया है इमिडिएटली, और साथ ही साथ सबको रेस्क्यू करके स्कूल में रखा गया है। इनको खाना पीना सब फ्री, दूध, बच्चे हेल्थ का जो है चेकअप वो सब दे दिया जा रहा है। और मैंने पूछा अभी सभी को सब कुछ मिल रहा है, किसी का कोई शिकायत नहीं है। तो सोमवार और मंगलवार को त्रिपुरा में हुई तेज बारिश और आंधी से सैकड़ों घर उजड़ गए हैं। इन उजड़े हुए लोगों को सरकार कैंप में सुरक्षित रखे हुए है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।